नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबर है वोटर से जुड़ी हुई। खासकर जो हमारे साथ मौजूद हैं, आज उनका पहला जो वोटर आईडी कार्ड जो फर्स्ट टाइम अभी इनको मिल रहा है और मिला है, और स्वयं वो जिलाधिकारी महोदय ने इन्हें वोटर आईडी कार्ड दिया है, तो हम आज जानना चाहेंगे इनसे कि क्या महसूस कर रही हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो अभी आज वोटर्स डे है, ये वोटर्स डे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नए वोटर्स, खासकर ऐसे लोग जो युवा हैं वो अभी जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों को वोट करने के लिए अधिकार मिल गया है। आज के दिन से वो उनको वोटर आईडी कार्ड मिला है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करें। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियंका शर्मा हुआ जी, और मैं पहली बार वोटर आईडी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मतलब इसमें आया था नाम, तो मैं आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं फर्स्ट बार मैं दूंगी वोट, और जो राइट पर्सन को दूंगी जो आगे हमें इंक्रीज करेंगी और गर्ल्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी। चलिए प्रियंका, पहली बार आपको वोटर आईडी मिला है, तो इसकी प्रक्रिया सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से आपने इसको अप्लाई किया था, क्योंकि जो लोग अभी जुड़ना चाहेंगे इससे और तो उनको मदद मिलेगी, कैसे आप जुड़े थे? एक्चुअली ऑनलाइन मैं अप्लाई की थी, ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया था, उसके बाद फिर यहाँ से मुझे कॉल आया, फिर मैं आई। चलिए, तो इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और इन्हें वोटर आईडी मिल गया, और साथ ही साथ ये बता रही हैं कि अब वो राइट पर्सन जो होंगे इनके प्रतिनिधि के रूप में आएंगे, बेहतर होंगे, उनको चुनाव करेंगे। एक बात बताएं, जब राइट पर्सन चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया आप रखेंगे कि किन लोगों को आप बेहतर मानती हैं जो हमारा देश, हमारे समाज के लिए काम कर सकें जनप्रतिनिधि में? जो एक्चुअली जो गर्ल्स का ज़्यादा ये करें और गर्ल्स को ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करें, और जैसे बिहार में, जैसे बिहारी बाहर जाते हैं तो बहुत उन्हें स्ट्रगल होता है कि बिहारी हैं ऐसे, तो ऐसा फील ना हो उन्हें, बाहर जाएं कहीं भी जाएं तो उन्हें ऐसा फील ना हो कि वो बिहारी हैं, उन्हें प्राउड फील हो कि वो बिहारी हैं, और बिहारी मतलब जो भी MLA हो या फिर जो भी गवर्नमेंट हो उन पर प्राउड फील हो, कोई भी बाहर जाए तो बिहारी पर प्राउड फील हो, ऐसा फील कोई किसी भी गर्ल्स को या बॉयज़ को किसी को भी फील ना हो उसके लिए। चलिए, तो ये ऐसे लोगों को चुनेंगे जो हमारे इस राज्य के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करेंगे उनको आप चुनेंगे। चलिए, हमारे साथ मौजूद इनके आपके इनके पिताजी हैं, अपना परिचय हमारे साथ। मेरा नाम निरंजन शर्मा हुआ, मैं रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हूँ। यह मुझे बहुत कार्यक्रम अच्छा लगा, ऐसे तो मेरा अनुभव 32 साल का रहा इस सर्विस के दौरान, और विगत 10 साल से मेरा इसमें मतदाता दिवस के रूप में मैं भी अपना मैं अवकाश प्राप्त हो चुका हूँ। मेरे पास जब सूचना मेरे फ़ोन पर बेटी को गई तो बेटी ने कहा कि ऐसे चलना पापा चलना, मैंने आया और देखा जो यहाँ का जो मैंने व्यवस्था देखा, जो कार्यक्रम देखा और यहाँ का जो मैंने आंकड़ा देखा, तो उस आंकड़ों को देखकर मुझे लगा कि यहाँ की प्रशासन, मीडिया और यहाँ के जो राजनीति से संबंधित जो प्रतिनिधि हैं इनका और वोटर्स सबका एक बहुत अच्छा रोल रहा, और इस रोल के तहत इनकी जो प्रतिशत है राज्य स्तर पर वो उप अव्वल रहा, और इसी सब को देखकर, और मैं ये भी आशा रखूँगा कि जो नए मतदाता आए हैं या और बने और अपने नाम का उसमें इनरोल करें और अपने अधिकार का लोकतंत्र को मजबूती करने के लिए, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, जो मेरी बिहार की जननी है जो यहीं से शुरू हुआ था उसको और मजबूत करें और उसमें एक कदम आगे बढ़ के काम करें और हमारे प्रजातंत्र को, हमारे संविधान की सुरक्षा। चलिए, तो ये इनके पिताजी थे, अभी बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि सभी युवा लोगों को जो हमारे लोकतंत्र उनको मजबूत करें। एक बात बताएं, अभी आपकी बेटी भी आ गई, पहली बार इनको अब वोट देने का अधिकार मिल गया है, तो क्या पहले से भी सोचते थे कि जो बात आप सोच रहे हैं, जो जैसे प्रतिनिधि को आप चुनने का सोच रहे हैं, आपकी बेटी का जब वोट आएगा तब उनको भी कुछ बताएंगे उस विषय में कैसे लोगों को चुनना चाहिए, कैसे आप कुछ सोचा है? 18 साल की जो मतदाता बनने की जो अर्हता है सरकार के द्वारा जो है पात्रता जो निर्धारित की गई है, वो 18 साल के हो जाने के बाद कोई भी महिला हो या पुरुष हो उनकी समझदारी हो जाती है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई दबाव या थोपने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद स्वच्छंद है किसको वोट देना है, कौन बेटरमेंट है, मेरी भविष्य को कौन आगे बढ़ा सकते हैं, मेरे लिए कौन आगे विकास कर सकते हैं, इसलिए एज ए गार्जियन मेरा उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं, खुद वो अपने को फ्री है, जिसको वो बेटर समझेंगे अपने फील्ड में उनको वो वोट करेंगे। चलिए, तो ये देखिए, ये भी बड़ी ही सावधानी और बड़ी बेहतर जब बात इन्होंने कही कि अब ये वोटर बन गई हैं और 18 साल इनका उम्र हो गया है, तो स्वतंत्र रूप से स्वयं अपने प्रतिनिधि का चयन ये करेंगी और जो बेहतर लगेगा उनका चुनाव करेंगे। एक बात बताएं, अभी और जो मतदाता आज फर्स्ट डे जो हम लोगों का वोटर्स डे है, इसमें चुनाव जो नए लोगों को मिला है अभी,
कार्ड मिला है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मेरा संदेश उनसे यही होगा कि वो अपने कर्तव्य और अधिकार पाने के लिए कर्तव्य करना पड़ता है। तो जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वे भी सजग होकर स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पक्षपात हीन, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करना है, और जिसको जो अच्छा समझें वो अपना वोट कास्ट करें और अपने भविष्य के जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनें, और उसमें कहीं कोई किसी तरह की शिकवा शिकायत नहीं हो, किसी तरह का कोई ऐसा नहीं हो कि हमने ऐसा नहीं किया। जिसको चुने वो अपने निर्भय होकर चुने। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज ये जागरूकता को लेकर जो मैंने आप अभी बात बताई कि ये हमारे साथ जुड़ी हैं, ये फर्स्ट इनको कार्ड मिल गया है, वोटर बन गई हैं, इस बार चुनाव आने वाला है तो वोट करेंगी, साथ ही इनके पिताजी हैं। और हम सभी दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि आप भी यदि 18 साल के हो गए हैं तो अपने वोटर आईडी कार्ड का अप्लाई करने का ये समय है, अभी आप अप्लाई करें, वोटर बनें और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना जरूर सहयोग करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।